हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। अब जानते हो हम लोग अभी डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ाई कर ली है, अब क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको मेरे चैनल की बहुत मदद मिल रही है, आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है, पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरे चैनल की, मेरे वीडियोस की मदद हो रही है ये देखकर। इसी में अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, जिसके थ्रू ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसमें ओवर 300 क्वेश्चंस है विथ आंसर की, अलॉन्ग विथ 4 मेगा टेस्ट। 4 मेगा टेस्ट जो है वो पूरे सिलेबस पर बेस्ड है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ईच मेगा टेस्ट में। और ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट आउट निकाल कर पेन पेपर मोड पर सॉल्व करनी है, ताकि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अच्छा यहाँ से प्रिपरेशन हो सकता है। तो क्वेश्चन बैंक के लिए ज़रूर कांटेक्ट करिए, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आज का जो क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, साउंड इस टॉपिक से लिया हुआ। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स इज डैश द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, लेस दैन, मोर दैन, इक्वल टू, या इक्वल टू और मोर दैन, ऐसे 4 ऑप्शन हैं। तो पता है आपको इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, इंफ्रासाउंड जब कह रहे हैं तब उसकी फ्रीक्वेंसी होती है बिलो 20 हर्ट्ज। ऑडिबल साउंड जो हम लोग सुन सकते हैं, ह्यूमन ऑडिबल साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और अल्ट्रासाउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है अबाउट 20,000 हर्ट्ज। ये इमेज ली गई है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 7th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से, चैप्टर 18 से ये इमेज ली है। इसमें देखो बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, ये बिलो 20 हर्ट्ज जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है वो ऑडिबल साउंड है। ब्लू वेल ये दोनों भी साउंड हियर कर सकती है और प्रोड्यूस भी कर सकती है। वायलिन, फ्लूट और जो हम बात कर रहे हैं वो इसी रेंज में है, 20 to 20,000 हर्ट्ज, और आगे का जो साउंड रेंज है 20,000 हर्ट्ज से आगे चलो तो वो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। ये बैट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको सुनाई देता है, डॉल्फिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी रेंज होती है साउंड की, और उस हिसाब से एनिमल्स को वो सुनाई दे रहा है या नहीं ये वैरी करता है। समझ में आया? तो याद रखो, इंफ्रासोनिक साउंड 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल साउंड, और 20,000 हर्ट्ज से आगे जो होगा वो अल्ट्रासोनिक साउंड। अब यहाँ पर डायरेक्टली अल्ट्रासोनिक साउंड से और इंफ्रासोनिक साउंड की वेव के बारे में पूछा है, तो इंफ्रासोनिक साउंड की वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है दैट वुड बी लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए इसके साथ आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। इसी तरीके से सॉल्व एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ, चैनल को ज़रूर देखते रहिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सबको बताइए चैनल के बारे में, और खुद भी क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस जरूर रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।